अब ये बताते हैं कि द्रौपदी ये कहती है कि कोई तो बोलो, अब ये बताते हैं कि विदुर भगत का लड़का जिसका नाम विक्रण था वो बोलता है कि ये बड़ा गलत कार्य है, आप ये क्या कर रहे हो, इसकी साड़ी क्यों खींच रहे हो। जब बड़े बड़े धुरंधर बलकारी लोग भी नहीं बोल सके तो उस बालक की आवाज ने कौन सुने था, वो दबके रह जाती है, किसी ने कोई सुनाई नहीं करी। और द्रौपदी हाथ जोड़ के सभा के सामने सवाल करती है और क्या करती है, क्या बताया इस बात के द्वारा भला। हाथे जोड़े के आरज करी उत्तर दियो न्यारे न्यारे पांडो लोग पाते पति दुनिया में कलाए मारे पांडो लोग पाते पति दुनिया में कलाए मारे। देख पाछो पांडो पति नरेंगे किस पे मिलता बाजा नहीं अर्जुन और सहेंगे वना खुले भीम से तनाजा नहीं धर्म पुत्र पति मेरे पता कौन से मैं साधा नहीं धर्म पुत्र पति मेरे पता कौन से साधा नहीं। ओ ये नोवा द्रौपदी रोस भरी सुन भोजा और राते न सारा का भाई हाथ दूरे के हरत चार बच्चे अन्यारे पति लाने वाला कौन रहा जब मुझसे पहले अन्यारे पति लाने वाला कौन रहा जब
नी पैमाने अठाने वाला कौन रहा अंगार चुके पापी दापे हलाने वाला कौन रहा अंगार चुके पापी वो किसने ठाला के गे जोए पैधरी मेरा नकेले अकेले सागा के सो द्रोपद नाई हाथे दूरे के हर जखरी भरे सच्चा दो जवाब कोई खाल ना अनाही करे कौन सा कसूर जो साईं खेच के वो बाई करे कौन सा कसूर जो साईं खेच के वो बाई करे देखे छलते खेले छलते तन्ने मने अर्जुन उर्षना कुल धर्म पुत्र बलि भीम इनके अदारी तुमने नाश की जमाली मूरख बने के गरी मेरे खेना हो गिरे फल पाते कथि के सर शर्म दगार बेटे ओहर बेटिया की बहु पोतिया सहित परिवार बहन जे भतीजे तमाजी देवता तलक की नारे बहन जे भतीजे तमाजी देवता तलक की नारे आये इतना कुनबा होये पाछे शर्म ते सभी के होगी धरती और आना समाना शशि और रवि के होगी दाना दंतर दे ये बता और मान सिंह कवि के होगी दाना दंतर ये बता और मान सिंह कवि के होगी वो लक्ष्मी तंदे नेती आदि से
द्रौपदी ने भरी सभा में सवाल किया कि जब मेरे पति जुए में मेरे से पहले हार चुके तो फिर उनको जुआ खेलने का क्या अधिकार रह जाता है, और उनके बिना मुझे कोई दाव पर नहीं लगा सकता क्योंकि मैं पति भरता औरत हूं। अब द्रौपदी की यह बात सुनके किसी की जबान तक नहीं हिली, सब चुपचाप बैठे हुए देखते रहे तमाशे को, कोई बोल नहीं पाया। और किस तरह से क्या माहौल बन जाता है दरबार के अंदर द्रौपदी के सवाल करने के बाद, कैसे दर्शाया क्या बताया एक बात के द्वारा भला। चुप सौंप सहने Oh,
ये भी समझी भी लज्जा से शर्मा ये रहे धरती राष्ट्र ताऊ सब हमें गम का भला खाए रहे कैरवंश का नाश करण में कच्छे हो तुम आए रहे कैरवंश का नाश अंधे और दरिंदे बंदे लाखों से नहीं थे छोड़ेंगे लोहे की तरह से शक्ति मोड़े से बिना आए मोड़े असुर के साथ ये सदेश देशांतरों के राजा जोड़े असुर के साथ ये सदेश देशांतरों के राजा जोड़े झूठे जग दे तो रही हुई तुम ते पाप शरे छाया रे चोकड़ी चंदा लकी किन्नी न पटरानी दासी करने की संभाल की आती नहीं शरम धरम करने की तो डाल की आती नहीं हर किन्नी न पटरानी खानी दासी करने की ये सलाना गुण ओगणना छट मेट इन कामों से कटे कलाना इन का मान देख देख जी इन्हें से तो है मरना भलाना इन का मान देख देख जी इन्हें से तो मरना भला लक्ष्मी चंद मन की बटो हो रही ज्ञान किसी में न पाया रे तुम्हें तापे पियो अमोल आया रे तुम्हें तापे पियो अमोल खामोश बैठे हुए सारे योद्धा कोई नहीं बोल पाता और दुर्योधन भी नहीं सुनाई करता और दुर्योधन उठ के दुशासन से नियुक्त लग गया कि भाई इसको भरी सभा में नंगी कर दे और इसको मैं अपनी जान पर बिठाऊंगा। जब ये बात ये वचन भीम ने सुने तो एकदम क्रोध उठ जाता और खड़ा होकर ने बोला कि भाई मैं इस भरी सभा में प्रण करता हूं कि दुर्योधन जी जान पे तू द्रौपदी को बिठाना चाहता है मैं तेरी जान तोड़ के तेरे को मारूंगा। और जो शासन तू भी सुन ले जिन हाथों से इस द्रौपदी के केस पकड़ कर ये चीर पकड़ के खींच रहा है मैं तेरी इन बाजुओं को घर से अलग कर दूंगा। और द्रौपदी की आंखों में आंसू देखिए तो क्रोधित होकर भीम क्या कहते हैं एक बात के द्वारा क्या कहानी बनी क्या बता बोला बोला रया सुबरे मैंने देखे रद्रोपद जाई के भाई गाटे थे ना अगत थे क्रोध दीम फलदा
की सभा में था कवारी के सब नहीं था पवन तक का नहीं था पवन तक का आज दुशासन पकड़ के असर दुशासन पकड़ के इन पांडवा की लगारी द्रौपदी ने बिया डूंगा जल कपटी ने बिठा दूंगा जल कपटी ने बिठा अरे पल ब्रह्म पल काह दूंगा पल ब्रह्म पल काह दूंगा इन दुष्ट की अंगवाई नहीं चुकूंगा इस गले में क्यों कर थूकूंगा इस गले में और नक नगर सहदेव जा एक काम कर ले भाई जो मारी लुगाई के केस पकड़ के खींच रहा चीर उतारता इनका एक काम कर दे नुभला के भाई के क्या कहा भी इमने इस गले में कर सहदेव या गलिया फूकूंगा सहदेव या गलिया फूकूंगा अरे दोनों हाथ बाल का हो रहा से सुतरे दे सके ना बात का उतरे दे सके ना बात का अरे डूब गया जो धर्म पुत्र अरे डूब गया जो धर्म पुत्र द्रौपदी बिदा पला और युधिष्ठिर ने देखा कि हाँ छो उठ गया इशारे से रोकता है कि ना भाई बोले मत ना बैठ जा आराम से भीम बैठ जाता है और उधर से दुर्योधन और दुशासन दोनों द्रौपदी को नंगी करने के लिए जब आगे बढ़े तो अर्जुन से भी नहीं रोका जाता और युधिष्ठिर ने देखा कि हाँ अर्जुन का भी क्रोध आ गया तो इशारे से उसको भी वहां दबा देता है कि भाई सब बैठ जा महारा बोलन का काम क्यों ना बोले रे बोलन का काम क्यों ना और एक बात के द्वारा अर्जुन खड़ा होकर सभा में क्या कहता है क्या बता भला न बोले रे काम नहीं थारा बोलन का पर बोले बनना सरता हेर देख देख पूरे कर्म ने सत पर सोका की डरे काम नहीं था I'm not
ਸਮਝਾਰ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਬਲਾਈ ਬੇਈਮਾਨੇ ਮੈਂ ਨਾਸ ਕਰਹਲੀਆ ਨਾ ਪਕੜੀ ਨਰਮਾਨਾਈ ਕਰ ਸਮਝ ਕਰ ਪੈਰ ਮਾਰਿਆ ਸਭ ਹਮੇ ਬਹੁ ਬੁਲਾਈ ਰੱਖੇ ਜੀਣਾ ਸੇ ਉਨ ਕਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਤਨੀ ਰੇ ਦੁਖੀ ਲੋਗਾਈ ਰੱਖੇ ਜੀਣਾ ਸੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਮਰੀ ਯਾਰ ਕੁਟਮ ਭੁੱਲ ਗਏ ਮਰੀ ਯਾਰ ਕੁਟਮ ਹਰ ਖੁੱਲੇ ਮੁਖੇ ਰਸਰੇ ਤਾਰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਪਰੇ ਪਰਮਾਨੇ ਸਤ ਪੁਰ ਸੋਤਾ ਕੀ ਕਰੇ ਤਾਰ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਕਾਰ ਬੋਲੇ ਤਾਰ ਕਰ ਬੋਲੇ ਬੁਲਾ ਸਰੇ ਤਾਰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਪਰੇ तो आप बाकी तीन कलियां हैं अंबा कैसेट के सौजन्य से सुनिए कैसेट के बी साइड में धन्यवाद ਛਲਕਾ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾ ਰਾਣਾ ਕਾ ਰਾਜ ਪਾਟ ਕਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਪੜੋ ਕੁਏ ਮੈਂ ਫਾਜਾ ਯਾਰੇ ਦੋ ਸਾਸਨ ਪਿਆਈ ਮੇਰੇ ਛੇੜੇ ਜੋ ਦੁੱਖ ਸਭ ਤੇ ਯਾਦਾ ਔਰ ਦੁੱਖ ਕੇ ਕਾਰਨ ਭਾਈ ਤੈ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਭੋਲਾ ਗਿਆ ਸਭ ਕਾ ਜਾ ਯਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕੇ ਕਾਰਨ ਬਾਪ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਮਨ ਕਸ਼ਾਨੀ ਰੇ ਬਾਪ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਮਨ ਕਸ਼ਾਨੀ ਕਦੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਕਰੇ ਤਾ ਦੇਖ ਦੇਖ ਪੁਣੇ ਪਰਮਾ ਨੇ ਸਤਪੁਰ ਸੁਖਾ ਜੀ ਕਰੇ ਤਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾ ਬੋਲਣ ਕਾ ਪਰ ਬੋਲੇ ਬਿਨਾ ਸਰੇ ਖਿਆਲ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜਬ ਅਰਜੁਨ ਕੋ ਕ੍ਰੋਧ ਮੈਂ ਆਇਆ ਦੇਖਿਆ ਤੋ ਧਰਮ ਪੁੱਤਰ ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਸਮਝਾਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਾ ਰੇ ਇੱਛੋ ਨਾ ਦਾਜ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰੀ ਕਰਾਈ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸਮਝਾਤਾ ਅਰਜੁਨ ਕੋ ਕਿਆ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿਆ ਬਤਾਇਆ ਗੁੱਸੇ ਨ ਕੰਮ ਕਰੀ ਲੈ ਖਿੱਚ ਖਪਾਲੀ ਰੋਕ ਸਾਸ ਕੁਛ ਅੱਜ ਕਦਮ ਭਰੀ ਯਾਰ ਜਾਲ ਡਟ ਲੈ ਪੱਥਰ ਬਣ ਜਾ ਬੋਲਣ ਕੀ ਗਮ ਕਰੀ ਲੈ ਨਰਮ ਕਾਲ ਦਾ ਮਟ ਰੱਖੇ ਸਦ ਸਾਧੋ ਕੇ ਸਮ ਕਰੀ ਸ਼ੀਲ ਸਬਰੇ ਸੰਤੋਸ ਧਾਰ ਰੇ ਸ਼ੀਲ ਸਬਰੇ ਸੰਤੋਸ ਧਾਰ ਕਿਉਂ ਦਲ ਭੁਨ ਕੇ ਨ ਮਰੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਪੁਰੇ
दबा देता है और उधर से जब दुर्योधन और दुशासन द्रौपदी की तरफ बढ़ते हैं तो द्रौपदी ने कहा कि मेरी बात सुनो, मेरे को हाथ मत लगाना, मैं पतिव्रता औरत हूं और पतिव्रता औरत के साथ ऐसा गंदा व्यवहार करोगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तुमने पहली गलती तो यह करी कि जब युधिष्ठिर को जुआ खेलना नहीं आता था तो उसको जुआ खिलाया क्यों? जंग जुए और कुश्ती के में आपस में जोट मिलनी चाहिए, बराबर का मुकाबला होना चाहिए। और एक बात के द्वारा द्रौपदी क्या कहती है क्या बता रहा? हो जो राजा जुआ सीखे अधर्म करके उल्टी रीत चलाई के संग ज्ञानी चाहिए ज्ञानी के संग ज्ञानी ओह मूर्ख के संग मूर्ख हो अभिमानी संग अभिमानी पंडित के संग व्याकरण ओह जो शुद्ध बना जपानी ओह शील पुरुष संग शील पुरुष हो नहीं होने दया जंग जुआ और कुश्ती के माँ जंग जुआ और कुश्ती के माँ चाहिए जो लानी कितने सीखे अधर्म करके
धर्म ऊपर अड़े थे लोभी और लालची बंदे बड़े नरक में चले थे। लाज शर्म का खोज रहना अधर्म करके लड़ी थे वो छतरा पण थारा करे रहा जब चरिया संगत करे थे। पर चरिया पताइए कोया तलक फलाई जैसी थे अधर्म करके और नीर तलाई राजा दुआ खेल न सकते बाजी नहीं कि नारी जो होती है सो घर की शोभा होती है। यहाँ दरबार में सभा में नारी का कोई काम नहीं होता और तब नैयारी करे तो चलाई कि बहु नारा सभा में ले रहे नंगे करने की सोच रहे सारा मानी चाहिए डूब के मर जाओ इससे अच्छा तो और कोई बोलने वाला नहीं। ये पापी ये दोस्त अनरत करते हैं और आप चुपचाप बैठे हुए हो। कभी विषम की तरफ लगाती है कभी द्रोणाचार्य की तरफ लगाती है और कभी धृतराष्ट्र से फरियाद करती है लेकिन कोई नहीं सुनता। क्या कहती है क्या बताया दखे ऋषि मुनि सन्यासी जो सो व्यास जयपुरी की रूप पशु बकसी की शोभा सतगुण शोभा नरे की माता संग पुत्री की शोभा कथा संग पुत्रे की ओ बच्चा में बहरी की शोभा या नारी शोभा करे की या थरी शोभा ठीक नहीं सहे सभा में बहु बोलाई सीखे अधर्म करके के कहे तकू स्वभावी बलवाई दुष्टा के कहने तकू के ऊपर गुरु मान सिंह बता गए जो धर्म शर्म की राही ओ लक्ष्मी चल गए नूहना मन अधर्म करे मार पड़ेगी यमदूता की यमदूता की बड़े फांसी तलक कहलाई तुम्हारी शोभा ठीक नहीं है औरत के साथ ऐसा अन्याय करते हो अपने आप को छत्री कहते हो आप छत्रापन कहां रह गया जब एक तरिया को नंगी करना चाहते हो सभा के अंदर
शर्म आनी चाहिए आपको। कोई नहीं बोलता, भीषम भी नीची गर्दन करे हुए बैठे, द्रोणाचार्य कृपाचार्य बड़े बड़े धुरंधर योद्धा बलवान नीची गर्दन करे हुए बैठे। फिर द्रौपदी उनका झंझोड़ती है कि कोई तो बोलो, ना कक्कर तान बाजेगी, कुछ तो कहो, हाँ ना का कुछ तो जवाब दो, ये ठीक है या गलत है। कहते ठीक है कहो, कहीं गलत कहो, कुछ तो बोलो। लेकिन दुर्योधन के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी, तो द्रौपदी फिर उनकी आत्मा को झंझोड़ती है और क्या कहती है, क्या बताए बात के द्वारा बता। धनवान प्रतम होए बिना खत्म, ऐसा जुलम शतम कोई अखरा नहीं सकता। धनवान प्रतम होए बिना खत्म, ऐसा जुलम शतम कोई अखरा नहीं सकता। धनवान प्रतम होए बिना खत्म, ऐसा जुलम शतम कोई अखरा नहीं सकता। धनवान प्रतम होए बिना खत्म, ऐसा जुलम शतम कोई अखरा नहीं सकता। डूब
पापियों की नाव कोई तेरा नहीं सकता। सभा के अंदर चारों तरफ घूम फिर लेती है, सभी को झंझोर झंझोर कर देखती है, लेकिन कोई नहीं बोल पाता, कोई जवाब नहीं देता। और दुशासन चीर खींचने लग जाता है और ये सोचती है कि दोस्त तेरे को नंगी करे बगैर मानेंगे नहीं, क्योंकि यहां धर्म की बात कोई कहने वाला नहीं रहा, सब के सब मर चुके हैं। ये जो बैठे हुए सभा में सब ये मिट्टी है, लाश पड़ी हुई है, इनके अंदर किसी के अंदर आत्मा नहीं है जो हक की बात कह सके। और दुशासन चीर खींचने लग जाता है और दुर्योधन खुश हो रहा है कि भाई नंगी करके मेरी जांग पे बिठाओ। चारों तरफ से प्रार्थना कर करके देख ली, कोई नहीं सुनाई करता। भीम और अर्जुन बोले तो वो धर्मपुत्र ने रोक दिए। अब आखिर में एक हथियार बचता है, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान धरती है द्रौपदी। हे भगवान, ये तो देख लिए, ये तो पापियों की सभा है, दुष्ट कई इकट्ठे हो रहे हैं जो एक अबला के साथ ऐसा अत्याचार करते हैं, कोई सुनाई नहीं करता। हे भगवान, अब आप आओ, आपके सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है, और आपने तो बड़े बड़े पापियों को दुष्टों को पार उतारा है, और मैं तो आपकी भगतनी हूँ, दासी हूँ, तो किस तरह से द्रौपदी याद करती है कृष्ण भगवान को, क्या कहानी भरती है, क्या बता रहा। रखियो 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 जिया गल्ला जे हमारी जकर सन प्राए, रखियो रखियो जी के रखियो रखियो जिया सब हमें दुष्ट सत्ता में करो मेहर का घेरा जी, बड़ी सब हमें दुष्ट सत्ता में करो मेहर का घेरा जी, जस गऊ का बछड़ा शन का धागा, गऊ का बछड़ा शन का धागा, यो मैसे बंधन में रख तेरा तेरा जी तेरा जी वो सत्ता ये रखाई जकर सन प्यारे, रखियो रखियो जी के रखियो रखियो जिया लादे हमारी के सन प्यारे। गज और ग्रहा लड़े दल पितर जलड़ तलड़ते गज हारे जी, गज और ग्रहा लड़े दल पितर गज की तेरा सोनी रघुनंदन, गज की तेरा सोनी रघुनंदन, उड़ नंगे पर पधारे के पकड़े ओ पाए जी पकड़े ओ बाया जी, थारी लीला
ने ब्रह्मा जी का मान घटाया, तेरा नाम कन्हैया लाल लाल था, उसका भी दुख कष्ट दूर किया, दुख नरवाला, और आज मेरे पर भी है भगवान भीड़ पड़ी है, मैंने सारे टचोल टचोल के देख लिए, यहाँ पर मेरी कोई सुनाई करने वाला नहीं है, इसलिए आप आओ और आप मेरा भी प्रण निभाओ और मुझ दुखिया का भी उद्धार करो। किस तरह से, क्या कहती हो द्रौपदी, क्या बताया आखिर में? तेरे बाल कपन के हजार सोदम लक्ष्मी चंद भाई, बाल कपन के हजार सोदम लक्ष्मी चंद भाई, ओ दशरानी के चावल खाते, ओ दशरानी के चावल खाते, तन चोखी प्रीतन मारी के पाई भगवान कृष्ण की स्तुति की तो याद करते हैं, भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं और दिखाई देते हैं सिर्फ द्रौपदी को और बताते हैं कि उधर से दुशासन चीर खींचता रहा, साड़ी को खींचता रहा, लेकिन वो चीर खत्म नहीं हुआ, कृष्ण भगवान चीर को बढ़ाते रहे। और आखिरी बात में क्या होता है कि चीर खींचते हुए पसीने पसीना और बेहोश होकर गिर जाता है। और ये बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को जिसने भी सच्चे मन से याद किया है वो कभी उसकी हार नहीं होने देते और द्रौपदी के चीर बढ़ाए। और ये किस्सा महाभारत चीर पर्व यहीं पर समाप्त होता है और आप भाइयों तक ये अंबा कैसेट के सौजन्य से प्रस्तुत किया गया। धन्यवाद।